आज क्लास 9th में जो है अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसके सवालों का अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सवाल इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं 3, 5, 9 और 13। ठीक है, माना कोण ए बराबर है 3x, कोण बी 5x, कोण सी 9x और कोण डी ये है 13। चतुर्भुज के सभी कोण याद करना है। अतः कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर होता है 360, क्योंकि चतुर्भुज के चार कोणों का योग टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अब ए बी सी डी के मान लिखेंगे 3x 5x 9x 13x बराबर है 360 डिग्री या अंश बोलते हैं। ठीक, अब तीनों चारों संख्याओं को जोड़ेंगे 3, 5, 9 और 13 टोटल आएगा 30x बराबर है 360 अंश। ठीक, x की वैल्यू निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 को भागित करेंगे 36 से। ठीक, तो जब 3 को भागित करेंगे 36 से तो आएगा 12। ठीक है, 3 भागे 36 ये होगा। ठीक, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। जब x की वैल्यू 12 आ जाएगी तो सभी कोण के जो है मान ज्ञात हो जाएंगे। कोण a को माना था 3x, तो 3 × x की वैल्यू 12 लिखेंगे, 12 डिग्री गुणा करेंगे 3 × 12 का, फिर जाएगा 36 डिग्री। कोण a की वैल्यू आ गई 36। ठीक, इसी प्रकार कोण b की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कोण b बराबर है 5x, फिर से 5 × 12 x की वैल्यू सेम रहेगी 12 डिग्री, 12 × 5 करेंगे तो ये होगा 60 डिग्री, कोण b = 60। इसी प्रकार कोण सी इज इक्वल टू 9x, तो 9 × 12 डिग्री, टोटल 12 × 9 करेंगे तो 108 डिग्री, कोण सी बराबर 108 डिग्री होगा। ठीक, इसी प्रकार कोण डी की वैल्यू आ जाएगी 13 × 12, 13 में 12 का गुणा करेंगे ये जाएगा 156 डिग्री, तो कोण डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार चारों कोण के मान ज्ञात हो जाएंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और सिद्ध करना है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं होती हैं ए बी सी डी। ठीक, ये अब दिया है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ यानी इसको सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करने में पहला पॉइंट आता है दिया है, दिया है आपको चित्र दिया है, चित्र में नामांकित भी दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण विकर्ण होते हैं ए से सी, ये पहला विकर्ण हो गया, और बी से डी जो है ये हो गया दूसरा विकर्ण। ठीक, ए सी और बी डी क्या हुआ, ये तो विकर्ण हो गए। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आखिरी का सेंटर उठाएंगे तो दर्शाइए कि वह आयत है, तो यह सिद्ध करना है कि यह आयत होता है। ठीक, प्रमाण या उपपत्ति, जब ये दो विकर्ण बने हैं तो चतुर्भुज जो है वो दो त्रिभुजों में क्या हुआ, डिवाइड हुआ है, विभक्त हुआ। ठीक, तो पहला त्रिभुज बनता है त्रिभुज ए बी, तो दो
द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। विकर्ण हुआ तो ये दो त्रिभुज में डिवाइड हुआ, ये दूसरा विकर्ण। अब यहाँ था पहला ए बी डी, चर्चा कर रहे थे ए बी और ये डी, ठीक है। ये कहलाया क्या, ये पहला त्रिभुज, ठीक है बच्चों, ये वाला, ओके। इस ए बी डी में क्या होगा, दोनों की तुलना कर रहे हैं सी, और दूसरे त्रिभुज में ए बी सी में तुलना कर, तो क्या होगा AD इज इक्वल टू BC। ये क्या है, देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, कैसे AD, AD के सामने की भुजा कौन सी है, B और C, तो कहते हैं सम्मुख भुजा, ठीक। अब AB बराबर AB, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, दोनों में एक ही भुजा होगी, हाँ। तो AB इज इक्वल टू AD, ठीक। दूसरा बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया गया है, कहा बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्यों क्या दिया है, ये विकर्ण है, ये दोनों बराबर है, ठीक। तो ये तीन जो है भुजाएं हैं, भुजा का मतलब होता है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, हाँ ठीक। तो समता नियम से त्रिभुज क्या होगा, ए बी डी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए बी सी की, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर कोण ए बराबर कोण बी, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए डी समांतर है बी सी के, कैसे ए डी रेखा जो है वो समांतर है बी सी रेखा की, ठीक। और एक त्रियंग रेखा कौन सी है, ए बी रेखा, अतः कोण ए धन कोण बी बराबर होगा 180 अंश, अतः कोण ए धन कोण ए बराबर होगा 180 अंश के। देखिए तो 180 अंश समीकरण एक से ए धन ए होता है दो सम दो कोण ए बराबर 180 अंश, कोण ए बराबर दो कोण ए 180, इसलिए कोण ए इज इक्वल टू होगा 180 बाय 2, दो से इसको कैंसिल करेंगे या भागित करेंगे तो क्या आएगा 90 अंश, ठीक। तो जो 90 अंश होता है वह समांतर चतुर्भुज जिसकी जिसका एक कोण संपूर्ण संपूर्ण का अर्थ होता है क्या 90 अंश होता है, ठीक है, वह आयत कहलाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि सीपीसीटी का पूरा नाम सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग के बराबर होता है, corresponding part of congruent triangles, ये सर्वांग समता नियम के अंतर्गत इसका नाम बताया गया है। स्टूडेंट ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़ें, याद करें पूरा पूरा नाम, और आज जो सवालों का जो हल हम आपने आपको समझाया है आप उसको भली भांति अच्छे से प्रैक्टिस करें, पांच पांच बार प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।